ये नतीजे आने के बाद, 18वीं लोकसभा के नतीजे आने के बाद, तीन महत्वपूर्ण वक्तव्य आए। हमने मोहन भागवत की तरफ और इंद्रेश कुमार की तरफ तो हमारा ध्यान गया क्योंकि ये फ्रंट में दिखाई देते हैं, लेकिन एक रतन शारदा नाम के सज्जन हैं जिनकी तरफ कम लोगों का ध्यान गया। हालांकि कुछ चैनलों ने उनके इंटरव्यू लिए हैं और उन्होंने, वो अपने को एक रिसर्च स्कॉलर कहते हैं आरएसएस का। अब पता नहीं इस रिसर्च स्कॉलर के पीछे क्या वो होगा, लेकिन जो आरएसएस का मुखपत्र है उसमें उन्होंने ऑर्गेनाइजर में एक लेख लिखा और अपने अपनी जो पीड़ा है उसको बहुत स्पष्ट उन्होंने व्यक्त कर दी। मतलब जो ना सरसंघ चालक कर पाए और ना ही इंद्रेश जी कर पाए, इन्होंने थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट अमूर्त किस्म की बातें दोनों ने की, लेकिन रतन शारदा ने बहुत स्पष्ट बात कह दी। और मुझे लगता है कि रतन शारदा जो कह रहे थे वो संघ के नेतृत्व की पीड़ा थी, और जाहिर है कि उनके मुखपत्र में वो बिना संघ की अनुमति के कोई चीज छपती नहीं होगी, ऐसा मेरा अनुमान है। वो सेंसर जरूर होती होगी। उसमें उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात कही, उन्होंने कहा कि भाई जो लोग अभी 2-3 महीने पहले, 6 महीने पहले तक हम लोगों को गाली देते थे 370 को लेकर के, राम मंदिर को लेकर के, हिंदू मुस्लिम रिश्तों को लेकर के, जो हमें कोसते थे और सार्वजनिक रूप से हमारी भर्त्सना करते थे, उन सबको बिना माफी मांगे उन्होंने ना कोई दुख प्रकट किया, ना कोई खेद प्रकट किया, ना माफी मांगी, और उनको भाजपा में शरीक कर लिया गया। एक शब्द पाकिस्तान की राजनीति में मैंने देखा बहुत इस्तेमाल होता है, वो शब्द है इलेक्टेबल। इमरान खान को जब खड़ा किया जा रहा था, जब पाकिस्तानी फौज एक काउंटर नैरेटिव बना रही थी और दो राजनीतिक परिवार जो वहां के राजनीति पे छाए हुए थे उनके खिलाफ एक तीसरा फ्रंट ला रही थी इमरान खान के रूप में, तो ये शब्द उस समय बहुत पाकिस्तानी राजनीति में आया। इलेक्टेबल का मतलब जो जीत सकता है, मतलब आपको उसके गुण अवगुण, उसके मेरिट डिमेरिट की बात नहीं सोचनी है। अगर वो चुनाव जीतने लायक है तो आपको उसको लेके आना है। और अभी जो 240 की तादाद पहुंची है भाजपा की, इसमें हालांकि मुझे निश्चित रूप से मैंने गणना नहीं की, लेकिन मैंने कहीं पढ़ा उसमें एक बड़ी संख्या उन लोगों के जो कांग्रेस से आए। तो इंद्रेश कुमार ने कहा कि भाई हम किस, हमारे अंदर कोई आत्मसम्मान नहीं रह गया, हमारे अंदर किसी तरह का नैतिक अनैतिक का भेद नहीं रह गया, हम एक डिफरेंट पार्टी अपने को कहते थे, शुचिता की बात करते थे राजनीति में, लेकिन हम तमाम लोगों को बड़े आसानी से हमने यहाँ उनका प्रवेश कराया और उनको टिकट दिया और चुनाव में उतार दिया। अब किस मुंह से हमारा कार्यकर्ता उनके पक्ष में प्रचार करने जाएगा? वो कार्यकर्ता पिछले कई महीनों से, कई सालों से इनके इनके मुंह से गालियां सुन रहा था। इंद्रेश कुमार ने लगभग पूरे संघ नेतृत्व की पीड़ा सामने रख दी। सरसंघ चालक थोड़ा ज्यादा महीन है, जाहिर है कि वो शीर्ष पर है तो वो तो इस तरह से बात नहीं कर सकते थे, लेकिन उन्होंने भी जैसे मणिपुर का जिक्र किया तो ये तो कहा कि पिछले 1 वर्ष से मणिपुर शांति की प्रतीक्षा कर रहा है और हिंसा की आग में जल रहा है, लेकिन वो जो ये कहना चाहते थे कि भाई ये अशांति का कारण ये सरकार है, वो नहीं कह पाए। वो ये भी नहीं कह पाए, शायद उनके मन में इच्छा रही हो कि मोदी जी से इतनी बार मोदी जी को लोगों ने ललकारा, कहा, अनुरोध किया, कई बार उन्हें धिक्कार पड़ी संसद से बाहर कि भाई मणिपुर जल रहा है, आप प्रधानमंत्री, आप वहां जा ही नहीं रहे। पता नहीं ये इस रहस्य का आज तक कोई पर्दाफाश, कोई उद्घाटन नहीं कर पाया कि मोदी जी क्यों नहीं गए मणिपुर। इंद्रेश कुमार ने थोड़ा ज्यादा कटु बातें भी कह दी, जैसे उन्होंने जो वहां के भाजपा के जो सांसद थे और जो इस बार चुनाव लड़ रहे थे उनको गुंडा, या इस तरह का शब्द, जो जनता के साथ अत्याचार किया उन्होंने जनता के ऊपर, कुछ इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया, तो ये सारा गुस्सा जो है ये फट पड़ा है एक तरह से। और देखिए, इसे बावजूद इसके कि आरएसएस भी इसको छिपाता रहता है, मतलब सार्वजनिक रूप से स्वीकार नहीं करता, भाजपा का शीर्ष नेतृत्व भी कहता रहता है कि हमसे आरएसएस का कोई मतलब नहीं, लेकिन सही और ईमानदार बात तो यही है कि आरएसएस मदर संगठन है, मातृ संगठन है, और उसका एक राजनैतिक बाजू ये भारतीय जनता पार्टी है। 1950 में जब भारतीय जनसंघ बनी और श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उसका नेतृत्व सौंपा गया तो उसके पीछे आरएसएस ही थी। उसके पहले तो हिंदू महासभा नाम का एक संगठन था, क्योंकि हिंदू महासभा और आरएसएस में आपस में बहुत कंट्रडिक्शन थे, बल्कि आजादी की लड़ाई के दौरान हिंदू महासभा के नेता खुलेआम आरएसएस के लोगों को कोसते थे और उन पर आरोप लगाते थे कि क्या आपने निष्क्रिय कार्यकर्ताओं की एक फौज खड़ा कर दी है,
ये लोग किसी राजनीतिक कार्यक्रम में भाग नहीं ले रहे, बल्कि ये सर्कुलर है आरएसएस की तरफ से कि उनके कार्यकर्ता किसी तरह के राजनीतिक कार्यक्रम में भाग ना ले। राजनीतिक कार्यक्रम का मतलब क्या था आजादी के पहले? राजनीतिक कार्यक्रम तो एक ही था कि आप अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन में भाग लेते थे। वो आंदोलन शांतिपूर्ण भी होता था, गांधी जी के नेतृत्व वाला, और उस आंदोलन में चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह जैसे लोग भी होते थे। लेकिन आरएसएस के वर्कर्स इससे दूर रहे, ऐसे ही उनको उनकी 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 सिखलाई थी और उनको निर्देश था। तो आजादी के बाद अब ये समझ में आया आरएसएस को कि अगर वो राजनीति में भाग नहीं लेगा तो अलग थलग पड़ जाएगा। और जैसे बाद में काशीराम ने कहा कि जो चाबी है सत्ता की वो तो चुनाव है, तो चुनाव में भाग लेने के लिए उन्होंने भारतीय जनसंघ बनाई। ये अलग बात है कि शुरुआती दौर में भारतीय जनसंघ को कोई बहुत सफलता नहीं मिली, लेकिन भारतीय जनसंघ में हमेशा आरएसएस का प्रतिनिधित्व तो रहता था। एक बात अभी उत्कर्ष जी ने बहुत सही कही कि ये तो कल्पना ही नहीं की जा सकती कि भाजपा का अध्यक्ष जो है बिना आरएसएस की अनुमति के हो जाए, बिना आरएसएस के। वो हो सकता है कि प्रधानमंत्री का व्यक्तित्व तो बड़ा डोमिनेटिंग हो तो, लेकिन एक औपचारिक अनुमति तो आपको आरएसएस से लेनी पड़ेगी। ऐसा कैसे हो सकता है कि आप आरएसएस को चढ़ाते हुए किसी ऐसे व्यक्ति को बना दें जिसके बारे में औपचारिक रूप से भी अनुमति ना लें आप? तो अब ये स्थिति आ रही है, आप देखिएगा अभी एक आध महीने के अंदर नए अध्यक्ष के लिए का जब चयन होगा तो ये स्थिति आएगी। लेकिन एक बात बहुत स्पष्ट है, देखिए हमें ये मानना चाहिए कि अगर आरएसएस नहीं रहेगा तो भाजपा भी नहीं रहेगी। ये कार्डर बेस्ड पार्टी है, ये लगभग कम्युनिस्ट पार्टियों वाली स्थिति है। तो कार्डर बेस्ड पार्टियां होती हैं और उसमें बड़े बड़े ताकतवर लोग, आप देखिए कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक थे एसएम डांगे, एक बार जब पार्टी से निकले तो वो फिर कौड़ी के तीन हो गए। मैंने बलराज मधोक को देखा है जब वो भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष पद से हटे थे, इलाहाबाद स्टेशन पे देखा सिर्फ तीन लोग उनको रिसीव करने आए थे। तो ये मोदी जी का अहंकार है कि वो, उन्होंने एक इंटरव्यू भी दिया था चुनाव के दौरान, चुनावी प्रक्रिया चल रही थी, एक विदेशी अखबार को इंटरव्यू दिया था कि हमारी देश की जनता किसी पार्टी वार्टी चक्कर नहीं पड़ती, वो किसी एक व्यक्ति का नेतृत्व स्वीकार करती है। मतलब अब वो मैं आ गया हूँ, पार्टी की जरूरत नहीं है। और शायद इसीलिए नड्डा जी से एक इंटरव्यू भी कराया गया और ये कहा गया कि अब भारतीय जनता पार्टी को, मतलब स्पष्ट तो नहीं कहा उन्होंने, लेकिन इसी तरह की ध्वनि निकली कि अब हम बालिग हो गए हैं, हमें सहारे की जरूरत नहीं है। लेकिन ये एक मुझे लगता है कि गलत फहमी है किसी भी कार्डर पे, या तो फिर वो कांग्रेस हो जाए। तो कांग्रेस होने में प्रॉब्लम ये है कि कांग्रेस भी कार्डर नहीं है, लेकिन वो मास मूवमेंट की पार्टी रही है और मास सपोर्ट से चलती रही है। आप इनके पास या तो उस तरह का एक संगठन बनाए या फिर जो पुराना ढांचा है उसमें वापस जाए और आरएसएस का नेतृत्व, आरएसएस का अनुशासन स्वीकार करें, बिना उसके चल नहीं पाएंगे। अभी आपने गोरखपुर का जिक्र किया तो इसमें कोई बहुत आश्चर्य नहीं है। देखिए योगी जी, मोदी जी का के जो अहंकार की बार बार बात हो रही है, ये उसी अहंकार का परिणाम तो है कि राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में जो स्थापित नेतृत्व था सब में उन्होंने उथल पुथल कर दी। महाराष्ट्र में एक आदमी जो मुख्यमंत्री रहा था उसको उप मुख्यमंत्री बना दिया। आप जैसे चाहे वैसे आप करते रहे, लेकिन वो चलेगा नहीं, क्योंकि मनुष्य भी तो है ना, मनुष्य अपमानित महसूस करता है, मनुष्य के अंदर महत्वाकांक्षाएं होती हैं। तो जो इनका प्रांतीय नेतृत्व है, अगर आरएसएस का जरा भी सहारा मिला और इशारा मिला तो फिर ये मोदी जी के लिए अगले 4-6 महीने बड़े मुश्किल होंगे। मुझे लगता है कि इनको आरएसएस का नेतृत्व स्वीकार करना ही पड़ेगा। जी बिल्कुल, अरुण जी अपने को अनम्यूट करिएगा। मोदी जी को पार्टी की जरूरत नहीं है, नड्डा जी को आरएसएस की जरूरत नहीं है, तो फिर ये होगा क्या? और जैसी चर्चा हो रही है, जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष का चयन है।